नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्या स्वागत करता हूँ आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, यूपी पीजीटी टीजीटी और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में। चलिए, हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है 6, इसको हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य, या फिर केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें लोकतांत्रिक राज्य, इसमें जो हमारा ऑप्शन है डी, वो सही है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। ऑप्शन है भीड़, दूसरा है जनता, तीसरा है राजनीतिक और चौथा है लोक सेवा। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। जो लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति होती है जिसमें अंतिम सत्ता जो होती है वो जनता के हाथों में होती है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उत्तरदायी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकतंत्र में के निर्माण में बाधा है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इन चारों में से जो बाधा है। तो स्वतंत्र प्रेस, ये तो अच्छी बात है क्योंकि प्रेस को सरकार का चौथा अंग माना जाता है, और स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, ये भी अच्छी बात है, ये भी होनी चाहिए। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली और सांप्रदायिकता का अभाव, सांप्रदायिकता का अभाव भी अच्छी बात है क्योंकि सांप्रदायिकता होगी तो लोकतंत्र के लिए वो घातक होगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी कि बाधा कौन है, अगर लोग निरक्षर हैं तो वो लोकतंत्र का फायदा नहीं उठा पाएंगे और सही प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे जिसे भारत ने स्वीकार किया है, प्रजातंत्र का कौन सा प्रकार है जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा है वंशानुगत लोकतंत्र, तीसरा है प्रजातांत्रिक राजतंत्र और चौथा है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो देखिए, जहाँ भी राजतंत्र लगा है वो तो नहीं हो सकता है क्योंकि भारत में राजतंत्र व्यवस्था नहीं है। वंशानुगत लोकतंत्र भी नहीं है क्योंकि वंश के आधार पर यहाँ देश का जो प्रधान होता है वो नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा शासन प्रणाली है, यहाँ पे है लोकतांत्रिक गणतंत्र है। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में निहित हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान का या प्रत्यायुक्त विधान का क्या मतलब होता है। प्रत्यायुक्त विधान का मतलब होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड, जैसे हम डेलीगेट करते हैं। आप लोगों ने गाना सुना होगा या कोई भी चीज़, तो उसमें आता है कि ये एक सॉन्ग इनको डेलीगेट किया जा रहा है। तो डेलीगेट का मतलब होता है कि विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करना ही प्रत्यायोजित विधान है। ठीक है, तो संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता जब प्रशासनिक विभागाधिकारियों को प्रदत्त कर देती है तो इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं। तो विधायिका तो होगा नहीं, विधायी समितियां नहीं होगी, मंत्रिपरिषद। अब जन पदाधिकारी वर्ग लिखा है दोस्तों, तो ये जो जन पदाधिकारी वर्ग लिखा है ये भी गलत है क्योंकि इस जन पदाधिकारी वर्ग में निर्वाचित और नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल होते हैं, तो इसलिए यह उपयुक्त उत्तर नहीं होगा। प्रदत्त विधायन केवल प्रशासनिक विभाग का अधिकारियों से संबंधित है। ठीक है,
अतः प्रदत्त विधायन से इनकी शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि होगी। तो ये थोड़ा सा उसमें एग्जाम में जो ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे मिस्टेक था, तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे जन पदाधिकारी वर्ग ना होके यहाँ पे होना चाहिए आपका प्रशासनिक विभागाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन किस विचारक का है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि किस विचारक का है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ये किसका कथन है, तो दोस्तों ये कथन कब कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारी वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली है इसके व्यवहारिक स्वरूप में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। अब इसकी जगह पुरानी व्यवस्था जैसे कि राजतंत्र या अधिनायक तंत्र अपना लेना मूर्खता होगी, इसी संदर्भ में सीडी बॉन्स ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये आप फैक्चुअल क्वेश्चन इसको याद रखिए, किसने कहा है दोस्तों, सीडी बॉन्स ने कहा है। चलिए 7 है, लोकतंत्र में गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है। आयरन ला आप ओलिगार्की, इसका प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है रॉबर्ट मिसेल्स, विल्फ्रेटो पैरेटो, गायटानो मोस्का और रेमो आरो। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, रॉबर्ट मिसेल्स। रॉबर्ट मिसेल्स ने गुट तंत्र का लौह नियम दिया है। रॉबर्ट मिसेल्स जर्मन अर्थ समाजशास्त्री हैं और इन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में इसका वर्णन किया है। तो इस तरह से इन्होंने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुट तंत्र की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत कहें या अभिजनवादी सिद्धांत कहें, ये दोनों जो है एक ही चीज़ है। तो इसमें ऑप्शन डी है, विल्फ्रेटो पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिसेल्स को हम लोगों ने देखा ही था। तो इस तरह से इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तीनों लोग विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। ये जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है ये इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधि समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों के बीच ही संचालित होती है। इस विचार का समर्थन करते हुए पैरेटो ने अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिसेल्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की, उन्होंने गुणतंत्र का लॉ नियम दिया, आयरन ला आप ओलिगार्की, और मोस्का ने शासक वर्ग और शासित वर्ग की भूमिका को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है पैरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, वह हड़ताल को के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की है, उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पैरेटो जो है वो साम्राज्यवाद की निंदा करते हैं, तो प्रशंसा तो हो ही नहीं सकता। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही हो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन होगा। तो इन्होंने कहा है जो साम्राज्यवाद है उसे इन्होंने मुक्त समाज के लिए अभिशाप माना है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना वह इस आधार पर करता है कि तीनों ने समाज की समग्र व्याख्या करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया है, इसीलिए ये प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। लोकतंत्र को क्या कहता है, स्वीकृत पागलपन कहता है। ऑप्शन है ल्यूडोविकी, दूसरा ऑप्शन मार्क्स, तीसरा ऑप्शन टेलीरैंड, चौथा ऑप्शन है प्रोधा। तो टेलीरैंड हैं, इनके अनुसार लोकतंत्र जो है वो स्वीकृत पागलपन है, और इन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। इसी तरह के और भी स्टेटमेंट कुछ लोगों के हैं, उनको भी आप लोग याद रखें। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार
लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत व्यवस्था है, इस तरह से प्लूटो और अरस्तु भी इसकी आलोचना करते हैं। वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है, और वार्कर ने तो यहाँ तक कहा है कि लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में किस तरह से जुगाड़ का शासन चलता है, तो इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र क्या है, जुगाड़ों का शासन है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कई सारे दल आपस में किस तरह से एक दूसरे को तोड़ के सत्ता अपने हाथों में हासिल कर लेते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल हो या कर्नाटक का हो, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो इसको किया है किसने, ऑप्शन है एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लास्की और टीवी स्मिथ। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है, टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल भी देखा था, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था। इसके अतिरिक्त मैकाइवर ने भी लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है, तो आप लोग टीवी स्मिथ के साथ मैकाइवर का भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? ठीक है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और क्रांतिकारी सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, क्रांतिकारी सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। तो किसने किया था, रूसो ने समर्थन किया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, और रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता हमेशा सक्रिय रहती है या स्वतंत्र होती है, हर डिसीजन के लिए जनता से वोटिंग कराया जाता है। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, मतलब स्विट्जरलैंड में और भी देश हैं, स्विट्जरलैंड जो है शासन प्रणाली की विशिष्टता है, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसमें ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, लास्की, गेटल और गार्नर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, यानी कि सभी मनुष्यों को तो कुछ समय के लिए बना सकते हैं और कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन है ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की और लावेल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अब्राहम लिंकन का, इन्होंने ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि वास्तव में लोकतंत्र ऐसी पद्धति है जो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शासन प्रक्रिया में बराबर हिस्सा देती है। लोकतंत्र की जो डिफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की वो इन्हीं के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये परिभाषा बहुत ही फेमस है और आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ऑंग, रेन, जे एस मिल और फाइनर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जे एस मिल ने कहा है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। जे एस मिल का विचार है कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी और मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और इसी प्रकार का विचार सिजविक ने भी दिया है, सिजविक, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इन लोगों ने क्या कहा है कि मतों को गिना नहीं जाना चाहिए, तौला जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा
प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ब्राइस, डायसी, सीले और बेनी प्रसाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। सीले ने कहा है कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। अच्छा दोस्तों, सीले की तरह ये जो ऑप्शन भी है डायसी, डायसी ने भी एक स्टेटमेंट कहा है लेकिन वो इसके अपोजिट है कह सकते हैं। इसमें इन्होंने, डायसी ने लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में, यानी कि डायसी ने बहुमत की भागीदारी की बात की है, ठीक है। जबकि सीले ने क्या कहा है, सीले ने कहा है कि जो प्रजातंत्र है प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। तो सीले जब आए तो प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात करते हैं, और जब डायसी का नाम आ जाए तो बहुमत की हिस्सेदारी की बात वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। तो इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो ये बताइए आप लोग इसका है, ये सीले का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि असमानता से प्रजातंत्र, सॉरी ये असमानता यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे क्या है, अति समानता, ठीक है, ये अति समानता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या फिर जी एस मिल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अरस्तु ने कहा है यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है, ठीक है, तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया हुआ है, इसको मैचिंग करना है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं, सुरक्षात्मक लोकतंत्र, पीपल्स लोकतंत्र, बहुल लोकतंत्र और शास्त्रीय लोकतंत्र। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो जो शास्त्रीय लोकतंत्र है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, वो किससे संबंधित है, जान लॉक से संबंधित है, ठीक है। जान लॉक ही पहले, इनको पहला व्यक्तिवादी कहा जाता है, उदारवाद का जनक इनको माना जाता है। तो इन्होंने जो है शास्त्रीय लोकतंत्र जान लॉक से संबंधित है। तो देखिए डी में दो किस्में दिया है, तो डी में दो केवल एक ही स्टेटमेंट में दिया है, सी वाले में, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए इसको और देख लेते हैं, सुरक्षात्मक लोकतंत्र किससे संबंधित है, रॉबर्ट एडहल से संबंधित है। पीपल्स लोकतंत्र किससे संबंधित है, ये लेनिन से संबंधित है। बहुल लोकतंत्र अरस्तु से संबंधित है, और शास्त्रीय लोकतंत्र आपका किससे संबंधित है, जॉन लॉक से। तो ये हमारा आज का ये 20 क्वेश्चन फिनिश होता है, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और आप लोग कमेंट जरूर किया करें, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और अच्छे से प्रेरित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। ओके, थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।